हेलो स्टूडेंट्स, लेवलिंग के अंदर आज हम बात कर रहे हैं। लेवलिंग में ऐसे टर्म्स जो जनरली यूज होते रहते हैं, उन्हीं में आज का टॉपिक हमारा है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड लाइन ऑफ साइट। तो अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं कि एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप और लाइन ऑफ कॉलिमेशन और लाइन ऑफ साइट में क्या बेसिक डिफरेंस है, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर डायग्राम मैंने बना रखा है, यहाँ पर एक टेलीस्कोप आपको नज़र आ रही है। इस टेलीस्कोप को मैंने बड़ा करके दिखा रखा है, तो इसमें ये जो पार्ट है टेलीस्कोप का, ही पूरी हमें टेलीस्कोप नज़र आ रही है। ये जो पूरा पार्ट है आगे के फ्रंट का, जो हमारा ये पार्ट आपको नज़र आ रहा है, इसे हमने ऑब्जेक्ट लेंस हम इसको कहते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट लेंस है। कई टाइप के लेंस मिलाकर बनाया जाता है और कई टाइप के लेंस को जोड़कर हम इसको बनाते हैं। आगे टेलीस्कोपिक कंस्ट्रक्शन में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से लेंस इसमें ऐड किए जाते हैं, कौन कौन से लेंसों को इसको हम जोड़कर हम इसको बनाते हैं। तो अभी फ़िलहाल में आप इतना ही यही समझिए कि ये ऑब्जेक्ट लेंस है और ये आईपीस है, जिसे हम जनरली रैम्सडन आईपीस कहते हैं। आईपीस क्या है, इसमें भी हमारे दो लेंस लगे हुए हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लगे हुए हैं इसके अंदर। आगे जब इसे कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तब इसको हम बात कर लेंगे कि कौन से लेंस इसमें लगे होते हैं। तो देखिए, इतना पार्ट ही हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो हमारा है आईपीस। और दूसरा, इस आईपीस के जस्ट आगे यहाँ पर एक पार्ट आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं डायफ्राम। ये हमारा है डायफ्राम। अब डायफ्राम कैसा होता है, अगर इसको हम देख रहे होंगे आँख से तो हमें सर्वेयर को कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा। डायफ्राम का पार्ट कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा जिसमें ये हमारा अपर स्टेडिया, लोअर स्टेडिया और बीच में हमारे ये क्रॉस हेयर लगे रहते हैं। तो डायफ्राम यहाँ पर लगा हुआ है। डायफ्राम कहाँ लगा हुआ होता है टेलीस्कोप के अंदर? टेलीस्कोप में डायफ्राम आईपीस के नज़दीक और ऑब्जेक्ट लेंस से दूर स्थित होता है। अब तीन पार्ट इसके अंदर हो गए, एक तो आईपीस जिसे हमने रैम्सडन आईपीस कहा है, दूसरा एक डायफ्राम जो आईपीस से जस्ट आगे लगा हुआ है, और एंड पर हमारा है ऑब्जेक्ट लेंस। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप किसे कहते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, ऑब्जेक्ट लेंस के, ये हमारा ऑब्जेक्ट लेंस है, इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो आई पीस के सेंटर से जाती हुई पास होती हो जाए, तो उसे हम, उस इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप हम कहते हैं उसे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या है, कि एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेकर आई पीस के सेंटर तक जाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है वो हमारी कहलाती है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहलाती है। अब इसी पॉइंट से आगे यहाँ पर मैंने इसको दिखाया है ब्लू लाइन द्वारा, मैंने इसको डिनोट किया एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप को। अब बात करते हैं लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं। लाइन ऑफ साइट क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है, ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, यानी इसमें भी हम क्या लेते हैं ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। अब मैं इसको रेड लाइन दिखाने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से डायफ्राम के क्रॉस हेयर से पास होने वाली लाइन, इसी के ऊपर एक लाइन मैंने बनाई है इमेजिनरी लाइन, तो इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट, यानी दृष्टि रेखा इसको हम कहते हैं। तो लाइन ऑफ साइट क्या है, ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से तथा डायफ्राम के क्रॉस हेयर के सेंटर से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो लाइन ऑफ साइट हमेशा कैसी होनी चाहिए, हॉरिजेंटल होनी चाहिए, लेकिन ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देखिए, इसके अब हमारे यहाँ पर दो केस बनते हैं कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड लाइन ऑफ साइट में अक्सर डिप्लोमा के कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में पूछा जाएगा कि ऑप्टिकल सेंटर, हमारे जो ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से और डायफ्राम के सेंटर से जाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, और ऑप्शन में दोनों ही है, लाइन ऑफ साइट भी और लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी। तो हम हमेशा ही लाइन ऑफ साइट क्यों लगा देते हैं आंसर, और वही आंसर हमारा सही भी हो जाता है, जबकि हमें लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी उसका आंसर गलत नहीं होता। तो इसको बेसिक डिफरेंस आपको ज़रूरत है जानने की। देखिए, जब लाइन ऑफ साइट ठीक हॉरिजेंटल कंडीशन में है, लाइन ऑफ साइट ठीक हॉरिजेंटल कंडीशन में है, अब ठीक हॉरिजेंटल कंडीशन कब होगी, जब टेलीस्कोप के में लगी हुई बबल ट्यूब
टेलीस्कोप जो हमारी दूरबीन होती है उसके साइड में एक बबल ट्यूब लगी रहती है, जिसे हम फुट स्क्रू चलाकर उस बबल ट्यूब के बुलबुले को हम क्या करते हैं, बीच में सेंटर में लेके आते हैं। और उस टाइम हम समझ जाते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग हो चुकी है, यानी ठीक हॉरिजॉन्टल कंडीशन में इंस्ट्रूमेंट आ चुका है। तो उसी कंडीशन में, यानी जब बबल ट्यूब का बुलबुला बबल बिल्कुल सेंटर में है और इंस्ट्रूमेंट ठीक हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, उस केस में ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और डायफ्राम के क्रॉस हेयर के सेंटर से पास होने वाला हमारा इमेजनरी जो लाइन है वो हमारी कहलाती है लाइन ऑफ साइट। और इसी कंडीशन में लाइन ऑफ साइट को हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी कह सकते हैं। अब आप यहाँ से एक रिजल्ट ये समझिए कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन अगर ठीक हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है तो उसे हम लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। यानी इस कंडीशन में हम, अगर हमारा बुलबुला बिल्कुल सेंटर में है तो इसको हम लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी कह सकते हैं। लाइन ऑफ कॉलिमेशन हम इसको कह सकते हैं, लेकिन किस कौन से केस में हम इसको लाइन ऑफ साइट ही कहेंगे। अब देखिए, सपोज करिए आप कि आपने टेलीस्कोप को इंक्लाइन कर लिया, सपोज करो हम थियोडोलाइट यूज कर रहे हैं और थियोडोलाइट में हमने टेलीस्कोप को डिस्टर्ब कर लिया, यानी उसका बबल जो है ठीक हॉरिजॉन्टल कंडीशन नहीं है और वो किसी और टारगेट को, जो इंक्लाइन टारगेट है उसको हम देख रहे हैं। तो उस इंक्लाइन टारगेट को देखते टाइम क्या होगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट लेंस हमारा कौन सा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट लेंस है, ऑब्जेक्ट लेंस। अब इस ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से तथा डायफ्राम हमारा कहाँ पर है, ये डायफ्राम है, डायफ्राम के सेंटर से पास होने वाली इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट ही कहेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। लेकिन अब इसे हम यहाँ पर लाइन ऑफ कॉलिमेशन नहीं कह सकते। क्यों? अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन उसी कंडीशन में कह सकते हैं जबकि हमारे टेलीस्कोप ठीक हॉरिजॉन्टल कंडीशन में हो। अगर टेलीस्कोप ठीक हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली और क्रॉस हेयर के सेंटर से जाने वाली लाइन को हम लाइन ऑफ साइट कहें या लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमने टेलीस्कोप को इंक्लाइंड कर लिया, टेलीस्कोप को टिल्ट कर लिया, उस केस में हम ऑप्टिकल सेंटर के, ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और डायफ्राम के सेंटर से जाने वाली इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट ही कहेंगे। तो जब टेलीस्कोप ठीक हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है तो आप उसे लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी कह सकते हैं, और अगर टेलीस्कोप हमारे ठीक हॉरिजॉन्टल कंडीशन नहीं है, इंक्लाइंड है, तो उसे वहाँ पर हम लाइन ऑफ साइट ही कहते हैं। तो जब कोई भी हम टारगेट को अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन नहीं करता कि बबल इज इन सेंटर लेवल, बबल हमारा सेंटर लेवल में है, अगर वो मेंशन नहीं है तो जनरली क्वेश्चन इतना ही पूछता है कि ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और आईपीएस के सेंटर से, डायफ्राम के सेंटर से जाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर भी लाइन ऑफ साइट है, यहाँ पर भी लाइन ऑफ साइट है, इसीलिए हम इसको लाइन ऑफ साइट ही आंसर देते हैं और वही आंसर हमारा सही भी माना जाता है। तो गाइस, हमारे लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।